हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाली बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए कि ग्रामीण का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। और एक बात जो गांधी जी बोल कर गए थे वो भी आपको पता होनी चाहिए, तभी पता पड़ेगा कि देश का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है। तो आज वाले पार्ट में हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण विकास होता क्या है, साथ ही डिस्कस करेंगे अगर हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो किन किन तत्वों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए साख और लोन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो लोन जिसे हम ग्रामीण साख ही बोलते हैं वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं चालू करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी लाइन या कोट बताता हूं जो गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने अपने टाइम में बोला था कि अगर भारत को अपना विकास करना है तो सबसे पहले उसे अपना ग्रामीण विकास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक डाटा देता हूं आपको बताने के लिए। बात है 1947 की, अराउंड इस टाइम पर, अराउंड 1947-50 ले सकते हैं। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं देश में, तो लगभग देश का टोटल पॉपुलेशन का लगभग 86% जो पॉपुलेशन थी ना बेटा, वो कहां बसती थी? ग्रामीण क्षेत्रों में बसती थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, शहर की, तो उस शहर में केवल देश की जनसंख्या का 14% पॉपुलेशन ही क्या होता था, बसता था। आप नोटिस कर रहे हैं ज्यादातर पॉपुलेशन कहां आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। पता करिएगा अपने पापा मम्मी से, पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, तो पता पड़ेगा वो भी गांव में रहा करते थे, हो सकता है आज भी रह रहे हो, वहीं खेतीबाड़ी करा करते थे। तो आज ये सिनेरियो चेंज हुआ है। अगर मैं 2015 का डाटा लूं तो 2015 में ये डाटा चेंज हुआ है, जहां मैं रूरल की बात करूं, रूरल मतलब होता है बेटा ग्रामीण, ठीक है, और शहर को बोलते हैं यहां पर अर्बन। तो अगर रफली आज के डाटा ही बोलूं, उसको 2015 की जगह आप 2020 ही बोल सकते हो, तो एक एक्सपेक्टेड बोलूं तो इंडिया के अंदर कुछ ये है 60 और 40 आज भी, विच मीन्स आज भी ऐसा नहीं है, देश में इतने सारे शहर हैं लेकिन ऐसा है कि ज्यादातर पॉपुलेशन शहर में बसी नहीं। आज भी देश का ज्यादातर हिस्सा लोग कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो 60% पॉपुलेशन आज भी ग्रामीण में है और तब भी 80% पॉपुलेशन थी। तो देश की अगर आपको ग्रोथ करनी है तो फोकस किस पे करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और वहां की समस्याओं को ज्यादा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रामीण विकास का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इस टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। समझो क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि ग्रामीण विकास, जब हम ग्रामीण विकास की बात करें, ग्रामीण विकास से अभिप्राय उस क्रमबद्ध योजना से है, क्या बोल रहा है, क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। मतलब ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से विकास किया जाता है, विच मीन्स पैसे भी कमाए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शिक्षा भी अच्छी रहे, तो सामाजिक भी साथ, ठीक है। अब ग्रामीण विकास करने के लिए यहां पर कुछ पॉइंट है जिनको हमें फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या क्या है अगर मैं देश का विकास करना है ग्रामीण, देखो यहां पर पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारे पास भूमि है, देश के पास बहुत, हमारे देश के किसानों के पास भी भूमि है, लेकिन वो जो भूमि है वो उतनी उत्पादकता नहीं कर रही है, उतना प्रोडक्शन करके नहीं दे रही है जितना होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यही आ रही है, भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादन को क्या करना, हमें बढ़ाना होगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी, कृषि विपणन। अब ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता विपणन का मतलब क्या होता है। देखो विपणन को इंग्लिश में शायद आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं मार्केटिंग। तो फसल के बोने से लेके उसके उगने तक, उसको ग्रेडिंग करने तक, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटने तक, उसको मार्केट तक पहुंचाने तक, इस पूरे प्रोसेस को बेटा बोलते हैं क्या, मार्केटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं यहां पर कृषि विपणन। जिसमें समस्या यह है कि आज के टाइम में किसान को उतनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है
जितना उन्हें मिलना चाहिए। उसके पास से जो फसल जाती है बहुत ही सस्ती जाती है, हमारे पास जो आती है वो बहुत महंगी आती है, कमा कौन रहे, बीच में बिचौलिए कमा रहे। तो ऐसी प्रणाली को ठीक करना है, कृषि विपणन प्रणाली, जिसमें बिचौलिए ज्यादा हो और किसान को फायदा कम हो, ठीक है, और ताकि उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो सके। ये भी एक मुख्य तत्व है ग्रामीण विकास का। उसके बाद ऐसी फसलें उगाना है जिनका मूल्य क्या हो, अधिक हो। पुरानी फसलों को उगाते उगाते गेहूं, चावल या फिर आलू या कोई ऐसी चीज जो बाजार में सभी उगा रहे हैं, तो उनका जनरली देखने को मिलता है मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो अगर लोग अन्य फसलों को उगाएंगे, खासकर ऐसी फसलें जो दवाइयों में प्रयोग हो सके, जो अन्य साधनों में प्रयोग हो सके, तो अच्छे कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो सके, तो इससे क्या होगा, उनको अपनी फसल की पैदावार, जो पैसा है वो क्या मिलेगा, पहले कंपेयर में ज्यादा मिलेगा। तो ये भी है। उसके बाद केवल एक चीज पे डिपेंड मत रहो, कृषि का विविधीकरण करो। कृषि का विविधीकरण का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। विविधीकरण का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो आप केवल एक फसल ना उगाओ, एक बहुफसलीकरण करो, ठीक है। एक काम मत करो खेती केवल, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कर सकते हो, मधुमक्खी पालन कर सकते हो, डेयरी लगा सकते हो। तो इस सारे काम को एक पे डिपेंड ना रखकर कई सारों पे लेना क्या कहलाता है बेटा, कृषि का विविधीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके साथ ही उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण, जो मैंने अभी बताया ना, खेती के अलावा लोग क्या क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन, डेयरी खोलना, एनिमल हस्बेंड्री, इसी में आता है मत्स्य पालन आ गया, तो इसे बोलते हैं उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण। और यह था कृषि विविधीकरण, एक फसल लगाकर कई तरह की फसलें उगाना कृषि का विविधीकरण, ठीक है। यह हमारे मुख्य तत्व ग्रामीण विकास में, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रही है वो ये है कि ग्रामीण के क्षेत्रों के लोगों को क्या नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता। और जिस वजह से लोन को यहां पर बोलते हैं साख, सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो आसपास के जमींदार, महाजनों, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, और वो उससे क्या लेते हैं, ब्याज ज्यादा लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो ये एक समस्या पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के काम को तो ठीक करना ही करना है, गैर कृषि कार्य मैंने बताया, मत्स्य पालन, जानवरों को पालना, ये सब इनको ठीक करना है ताकि देश में रोजगार बढ़े, और रोजगार बढ़ने से देश के अंदर निर्धनता क्या हो, कम से कम हो। उसके साथ ही हमें फोकस करना है जैविक खेती पे। आजकल चलन ये देख रहा है, देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में क्या हो रहा है, केमिकल फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग करनी चाहिए, हरित क्रांति के टाइम पे करा गया था, बट किसी भी चीज की अति हो जाना, नॉर्मल से बहुत ज्यादा करने लग जाना, दुरुपयोग कहलाता है, और वो फिर हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। तो केमिकल वाली अगर फसलें हम आज के टाइम में खा रहे तो हमारी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। तो हमें अब फोकस करना है किस पर, जैविक खेती पे। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सामाजिक के लिए, विकास के लिए बोला ही है, और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। कई बार हम देखते हैं कि लोग पढ़ने के लिए गांव से शहरों में आ रहे हैं, हम देखते हैं लोग इलाज कराने गांव से शहरों में आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इन चीजों की कमी है। तो इन सारी चीजों पर हमें फोकस करना है। अब सबसे पहली चीज आती है कि इनको फोकस करने के लिए सबसे पहले किस पे काम किया जाए, या इस चैप्टर में हमें किस पे पढ़ना है। तो पहले जो बात हो रही है बेटा, इसके ऊपर हो रही है, किसके ऊपर, ग्रामीण साख के ऊपर। तो पहले मैं आपको ग्रामीण साख क्यों लिया जाता है वो भी बता दूं और समझा दूं कि ये कैसे काम करता है, बात समझना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फसल का बोना पड़ेगा, बुवाई करनी पड़ेगी, और फिर वो फसल लगभग 4 से 5 मंथ में रेडी होगी, और जब इतना टाइम हो जाएगा तो फसल को हम क्या करेंगे, काटेंगे। अब समस्या यह है कि बोने के वक्त आपको लगभग 1 लाख रुपए कम से कम मान रहा हूं लगाने पड़ेंगे, बट बोने के लिए 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आएगा कहां से, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। और जब फसल काट रहे हैं तो मान लीजिए हमें कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है। अब इस 5 लाख में से इसका मतलब हो गया 5 मंथ में उनकी जो मोटी मोटी इनकम हुई वो कितनी इनकम हुई, वो इनकम हो गई जी 4 लाख रुपए, ठीक है। ये रफली एक फिगर ले रहा हूं, क्या ये 4 लाख सबकी इनकम है, पॉइंट ये है 4, अब इसे 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ गया 80,000 रुपए पर मंथ। हो सकता है ये कम आए, और मैंने भी डाटा लिया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन ये किसान की इनकम अकेले की नहीं है, यहां पर 5 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो एक बंदे के हिस्से में आई 16,000 रुपए। तो पॉइंट ये दिखता है कि हमारा जो देश
का किसान है वो काम कर रहा है, उसे सैलरी तो बहुत तगड़ी मिल रही है या उसे लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है, बट वो लाभ अकेला थोड़ा ना बटेगा, उसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरा परिवार काम कर रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, इतने प्रोसेस से पहले सबसे पहले स्टेप वन की बात करते हैं। तो स्टेप वन में आप देखिए, सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। पैसा लगाने के लिए इनके पास जनरली पैसा होता नहीं, तो ये क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं। किसके पास, तो उसी की बात कर रहे हैं। जब हम लोन लेने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, हो सकता है ग्रामीण साख की बात कर रहा हूं मैं। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जिनको सरकार ने बोला है, तो जिनको सरकार ने बोला उन्हें बोलते हैं संस्थागत, संस्थागत स्रोत। इनका जनरली लोन जो होता है वो सस्ता होता है। और एक जिनको सरकार ने नहीं बोला है लेकिन फिर भी वो लोन देने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं गैर संस्थागत, गैर संस्थागत। अब समस्या क्या है, दोनों से लोन मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है गैर संस्थागत स्रोतों का लोन बहुत महंगा हो जाना। समझना जरा ध्यान से, ये लोन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 15% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है बेटा, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। इसका मतलब क्या होता है, वार्षिक। 10% हो सकता है, इसका मतलब अगर आप 1,00,000 रुपए लेंगे और अगर 10% है तो आपको 1,00,000 का ब्याज कितना, 10,000 रुपए देना पड़ेगा, प्लस 1,00,000 का मूल जो आपने लिया है वो देना पड़ेगा। टोटल 1,10,000 रुपए चुकाने होंगे, ठीक है। कितना परसेंट, 10%। लेकिन गैर संस्थागत में कौन आ गया, रिश्तेदार आ गए, साहूकार आ गए। इसके अंदर कौन आ गया, साहूकार आ गया, मित्र आ गए, जितने भी आपके फ्री में तो दोगे, देंगे नहीं लोन, ठीक है। और कोई ट्रेडर आ गया बड़ा, वो आ गए। ये मात्र जो आपको ऋण देते हैं वो केवल 5% पे देते हैं। कौन ज्यादा महंगा दे रहा है, संस्थागत या गैर संस्थागत? संस्थागत मैंने बताया, बैंक आ गए, सहकारी समिति आ गई, ये 10% वार्षिक दे रहे हैं, ये 5% दे रहे हैं। 5% लेकिन पर मंथ देते हैं ये। तो पर मंथ अगर इसे मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं, साल का निकालू, तो हो गया 60%। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी किसान ने अगर अपने जमींदार से लोन लिया है तो 1,00,000 का पहले तो वो 60% साल का ब्याज निकाल ले, ये निकल के आ गया लगभग 60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद मूल जो था उसका, जो उसने लिया था वो था 1,00,000 रुपए। तो टोटल 1,00,000 में 1,00,000 ये प्लस 60,000 ये, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। इतने रुपए चुकाने उसे, 1,60,000। यहां पे बैंक को कितने देने पड़ते साल के एंड में, 1,10,000, और यहां कितने देने पड़ रहे हैं, 1,60,000। समस्या यही है, भारत में ये लोग खूब कमा रहे हैं, लोगों को लोन दे देकर ब्याज का उनका खा खा कर, और सरकार को चाहिए कि इनको कैसे भी बंद करके हमारे ज्यादातर लोगों को कहां पे शिफ्ट कर दे, संस्थागत पे शिफ्ट कर दे। 1960 की बात है, अराउंड इंडिया में ये इतने मजबूत नहीं थे, तो ये केवल देश में 7% लोगों को ही लोन दे रहे थे, और गैर संस्थागत देश में 93% लोगों को लोन दे रहा था। मतलब लोन की जितनी भी सुविधाएं हैं या लोन जितने भी लोगों ने लिया था, उसमें से 93% कहां से लिया था, गैर संस्थागत से लिया था, जो कि एक बैकवर्डनेस को दिखाता है, एक कमजोरी को दिखाता है। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा कि इसमें संस्थागत सही है या गैर संस्थागत सही है। तो भारत में ग्रामीण साख के दो स्रोत हैं, गैर संस्थागत जिन्हें अनौपचारिक स्रोत ही बोलते हैं, और एक औपचारिक। सबसे पहले गैर संस्थागत की बात कर लेते हैं, जिसे सरकार ने नहीं बोला लेकिन वो फिर भी इसका काम कर रहे हैं। तो बोला है गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत, इनमें साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, कमीशन एजेंट आते हैं, जमींदार आते हैं, संबंधित मित्रों आदि को शामिल किया जाता है, और जनरली इनका जो ब्याज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, संस्थागत की, तो संस्थागत का स्रोत का जो ऋण का ब्याज होता है वो कम होता है, सरकार के अंडर चलते हैं। इसमें कौन कौन आता है, जिसके अंदर सहकारी साख समितियां आ गई, जो सरकार के अंडर किसान मिलकर आपस में सहकारी समितियां बनाते हैं और बल्क में खाद खरीद के लाते हैं, बल्क में ही अपनी फसल बेचते हैं, तो ऐसी समितियां सहकारी साख समितियां कहलाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1955 में बना था, याद रखना। या अन्य व्यापारिक बैंक, ये भी लोन देने काम करते हैं किसान को। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, RRB बोलते हैं इनको, ये भी हमारे किसानों को लोन देने काम करते हैं।
कृषि तथा ग्रामीण विकास, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इंग्लिश में इसको याद रखना, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जिसको बोलते हैं नाबार्ड, कब बना था? 1982 में बना था, हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले। और देश में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं सबको कंट्रोल ये करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना, जिस तरह से हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है केंद्रीय बैंक, देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी समितियां काम करती है, जितने भी बैंक काम करते हैं, उनको अपने पैसों की रिपोर्ट के लिए किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है? नाबार्ड को, विच मीन्स पूरे रूरल एरिया के फाइनेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे बड़ी संस्था ही है। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बनाता है? इसमें तनवा गांव की स्टोरी आ सकती है, जहां पर औरतों ने क्या करा था, अपनी छोटी छोटी बस्तों को मिलाकर, एग्जाम्पल के लिए हर लेडी अगर 1000 रुपए मिला रही है और 100 लेडीज ने पैसे मिलाए तो कितने हो जाएंगे? 1 लाख। और वो पहले किसी एक को हेल्प कर दी, फिर किसी एक को हेल्प कर दी 1 लाख की, फिर ऐसे किसी एक को हेल्प कर दी, तो उन्हें किसी और की जरूरत नहीं थी, वो आपस में एक दूसरे का हेल्प कर सकते थे। आज इसका एक स्वरूप आप कमेटी के रूप में भी देखता हूँ, घरों घरों में लोग कमेटी यूज करते हैं, एक दूसरे को पैसे जोड़ के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये था, तो सरकार ने संस्थागत के लिए ये सारे काम किए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का फोर्थ और फिफ्थ है। फोर्थ नाबार्ड क्या है, इसके कार्य याद करने आपको, और दूसरा स्वयं सहायता समूह क्या है, ठीक है, और इसकी एक स्टोरी तनवा गांव की आपकी बुक में दी होगी, उसे कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम कृषि विपणन और उससे आगे की कहानी डिस्कस करेंगे, क्या होता है और सरकार ने भारत में कृषि विपणन को सुधार करने के लिए क्या क्या किया वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद बाकी कृषि विपणन वाली वीडियो यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगी कुछ दिन बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप नजर आ रहा होगा आपको, उससे आप अपना पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।